जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर एक सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा जीके से रहेगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोहतक अग्रोहा। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में रोहतक एवं अग्रोहा जिलों का वर्णन किया गया है। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरसा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा जिले में हुआ था। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? नेहरू दृष्टि योजना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेहरू दृष्टि योजना की शुरुआत नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? भाई संतोष सिंह पुरस्कार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाई संतोष सिंह पुरस्कार का संबंध साहित्य से नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? वर्ष 1971 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की पहली जनगणना वर्ष 1971 में हुई थी। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य हरियाणा था। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? भिवानी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2001-11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई थी? बी वाला जो ऑप्शन है आपका 8.70% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2001 से 11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में 8.70% की वृद्धि हुई थी। अगला है क्वेश्चन कि 12 वाट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका, उपलिंग की संख्या 21 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपलिंगों की संख्या 20 है, जो कि हर्ष के शत्रुओं के सम्मुख देखने को मिले थे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुद्धो माता का मेला मार्च में लगता है, शाह चोखा खीरी का मेला अप्रैल मई में लगता है, शिवजी का मेला फरवरी में लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? पराशर का मेला। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करनाल के तरावड़ी में पराशर का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में कौन से नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका डफ नृत्य। राज्य में डफ नृत्य बसंत ऋतु के आगमन में किया जाता है। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? करनाल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्य का करनाल जिला पूरे देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी हेतु प्रसिद्ध है। केरू किस जिले का खंड है? भिवानी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरू भिवानी जिले का खंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कर्ण झील ये कहां पर स्थित है? करनाल में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पर स्थित है? ऑप्शन जो ए है आपका यमुना नगर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? हरियाणा का 20वां जिला है मेवात। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? वर्ष 1989 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था? उर्दू भाषा में। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में उर्दू में प्रकाशित किया गया था। अब यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने वाले को आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, जो 5 अगस्त 2017 को चुने गए थे। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमीघात सिंहसेन मद्रासा तथा अजातशत्रु भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सैयद वंश से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद वंश अथवा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था जिसका कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 तक रहा। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की और लोधी वंश से हारने तक शासन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, माना जाता है, सॉरी, प्लूटो। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मैनन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली आविष्कार करने वाली लेजर का आविष्कार टीएच मैनन ने किया था। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं ये कहां पर स्थित हैं? ए वाला जो ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस गुफाओं में शिव मूर्तियां स्थित हैं। ये गुफाएं धारापुरी गुफाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम प्रमुख तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, और कथक उत्तर भारत में तथा कथकली का संबंध केरल से है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट एक विधायी अधिनियम था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया। इसे अराजकवादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठनों से धमकी मिलने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? सकल राजस्व आय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुक्मणी देवी रुंगटेल के साथ जुड़ी हुई हैं। भरतनाट्यम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, शौरी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सन 1814 से 15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इनको 1830 में राजा की उपाधि भी दी थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? मुमताज महल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 1631 में प्रारंभ कराया था। इसका निर्माण 1653 में पूर्ण हुआ। ताजमहल का डिजाइन हमीद लाहौरी ने बनाया था तथा इसका निर्माण कार्य उस्ताद ईसा खां की देखरेख में हुआ था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम तथा मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड से किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? दिलीप कुमार, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? कोई सीमा नहीं है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा भीतर समर्थन देना जरूरी है। एक महा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तैराकी से, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र ने लिखा था? चाणक्य, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था? ये पारित किया गया था वर्ष 1972 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका USSR, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये कहां पर अवस्थित है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो नियुक्त सर्वेक्षण अंतर्गत परिषद अंतर्गत, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्धा व्यंजन है, मूर्धा व्यंजन वे होते हैं जो जीभ द्वारा वस कंटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ये व्यंजन इस प्रकार हैं, टा ठा डा या। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग देना, रंग से युक्त होना, प्रभावित करना, अनुकूल बनना बनाना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका रंगना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक, पूर्णतया, थोड़ा, काफी आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
अन्य वाक्यों में भाववाच का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच का मुख्य बिंदु कर्म होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। सी वाला जो ऑप्शन है आपका, मेरा एक भाई और पांच बहनें हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका सरीसृप, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेंग कर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों को सरीसृप कहते हैं, उदाहरण के लिए सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तनाव मापी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तनाव मापी मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है गाइस, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीसा। सीसा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। जंग लगना है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंग लगना ऑक्सीकरण और अपचयन की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसके कारण जंग लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धान नहीं है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका सल्फेट आयन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड धूम कोहरे का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। हृदय, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लाल रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों में शरीर के शेष भाग अर्थात ऊतक को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। लोहा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मैन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है। प्राइमरी मेमोरी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्थाई टेम्परेरी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्लिपबोर्ड, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कंप्यूटर में किसी डाटा या टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट किया जाता है तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है। फाइल नेम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट का दिया गया नाम जो होता है फाइल नेम कहलाता है। सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यता व्यक्त की जाती है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका मेगा हर्ट्ज में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू की क्लॉक स्पीड को सामान्यता हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। 21वीं सदी में अधिक गति के कंप्यूटरों में क्लॉक स्पीड मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल क्या कहलाता है। ऑप्शन सी जो है आपका इंटरप्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट समान है लगभग, सी वाला जो ऑप्शन है आपका 1 मिलियन बाइट्स के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैन का विस्तारित रूप क्या है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जावा संबंधित है, तो जावा किससे संबंधित है, तो जावा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित है। अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के रूप में पाए जाते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बारकोड्स, बारकोड्स अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर 1 है,
फाइल मैनेजर डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।